फोटो बूथ भी है, इसमें वीडियोस भी बन सकती हैं, कैमरा भी है। पीछे से देखो, ये कैमरा है। इतने मजे मजे की एप्स हैं इसमें। अरीबा, अरीबा, माई नेम इज अरीबा और मैं इस अरीबा खुदा के लिए छोड़ दे इस मोबाइल का पीछा। सुबह से मजाल है, तूने किसी काम को हाथ लगाया हो तो? अम्मी एक टीवी चैनल है, उसमें ऑडिशन हो रहे हैं एक्टिंग के लिए, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। बड़ा फालतू टाइम है ना तेरे पास, घर के कामों में दिल लगता नहीं है और एक्टिंग का ऑडिशन देना है। छोड़ दे इन कामों को, कुछ नहीं रखा इनमें, सिर्फ पैसे और वक्त का ज़िया है ये। अम्मी मैंने खाना लगा दिया, आके खा लीजिए। अब भाभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, सैलेड खाऊंगी, मैं डाइट करूंगी, मुझे लगता है मेरा वजन बढ़ रहा है। और आपको पता है कैमरा ना 10 pounds ऐड कर देता है। मैं बना देती हूँ। थैंक यू। छोड़ दे इस मोबाइल को वरना मैं तोड़ दूंगी, समझी? अरे बेटा यही चीजें लेनी थी, मुझे लिस्ट दे देती मैं खुद ही ले आता, तुम खामखा साथ आ गई। अभी घर जाओगी, खाना बनाओगी, थक जाओगी बेटा। बाबा चाइनीज डिशेस में बहुत सारा सामान डलता है, आप भूल जाते। अब देखे ना, सारा सामान ले लिया, आपका दूसरा चक्कर ही नहीं लगेगा। मेरी जहीन बेटी जो मेरे साथ है। रिक्शा, सुनो रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, लॉन्ग टाइम यार। है क्या यार अंकल, नाराजगी है क्या कोई? सलाम का जवाब भी नहीं दोगे? मुझे वालेकुम साहब। कहाँ जा रहे हो इतना सामान लेकर? हाँ मैं छोड़ देता हूँ, हम चले जाएंगे। चलो बेटा। अरे हम जाने देंगे तो तुम जाओगे ना अंकल? क्या यार अंकल, मोहल्लेदार हो यार मेरे, अब तकल्लुफ करोगे मेरे साथ भी? एक जवान लड़के के होते हुए इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की के साथ इतना सामान उठा के इतनी गर्मी में निकलोगे, वो भी पैदल? अरे बुरा लगेगा यार। मैंने कहा ना हम चले जाएंगे, आओ बेटा। आओ यार सामान अंकल, तुम बिना यार। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अपनी गाड़ी समझो। देखो ऐसा है कि तुम्हारे अब्बा के साथ ना हम करना चाह रहे हैं कुछ बात, अब वो हमें टाइम नहीं दे रहे, लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो रास्ते में कुछ बात हो जाएगी, प्यार मोहब्बत की। आ जाओ। अरे चलो बैठ जाओ गाड़ी में। जी बैठो यार, बैठ जाओ, सीट एडजस्ट कर लेना, टांगे लंबी है तुम्हारी, बैठ जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ बस। अंकल सीट में कोई मसला है क्या? किसके चले जा रहे हो यार? तुम्हें से एक बात बताओ यार, ये सगी बेटी है क्या तुम्हारी? नहीं मतलब बहुत ही प्यारी है यार। अपनी माँ पे गई है, तुम पे तो नहीं गई। भाभी जी बहुत प्यारी थी क्या? वैसे मैं चाहता हूं मेरी किस्मत भी ऐसी हो यार, प्यारी सी लड़की हो, उसे शादी हो जाए, प्यारे प्यारे बच्चे हो यार। ऐसे क्रिमिनल क्रिमिनल करते फिरे यार मौशरे में। नमाज चौकड़ी उधम, समझ रहे हो जज्बात अंकल? वैसे दो बेटी है ना तुम्हारी अंकल, वो दोनों ही प्यारी हैं यार। पढ़ती हो तो पढ़ा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, बस तुम मुझे ना उनसे टाइम का पूछ कर बता देना, ठीक है? और शाम की टाइमिंग रखना, क्योंकि सारे में शाम को घर पे होता है ना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। बेटा आज माहीन और उसकी फैमिली हमारे घर आ रही है, तो तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। कौन माहीन? अरे भूल गए, वही लड़की जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई थी तुम्हें, जो मुझे बहुत पसंद आई थी।
अम्मी मुझे क्या पता आपने दर्जन से ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप की हैं, उनमें से कौन माहीन है? बेटा जिसने वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, लंबे से बाल थे, उसकी तस्वीरें मैंने 2 मरतबा तुम्हें व्हाट्सएप की हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और आज मैंने उसकी फैमिली को उसे घर पे बुला लिया, और मैं सोच रही थी कि तुम सबको देख भी लो और मुलाकात। नहीं नहीं नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं, आज वैसे मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा। सारे मैं देख रही हूँ, मैं जब भी रिश्ते वालों के आने की बात करती हूँ तुम इसी तरह बहाना करते हो। क्या बात है बेटा, तुम मुझे टाल रहे हो या आने वाले रिश्तों को? मैं उन्हें इनवाइट करने से पहले मुझसे तो पूछ लेती कि कहीं मैं बिजी तो नहीं। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमसे पूछने का नहीं तुम्हें बताने का हक है मेरा, समझे तुम? कुछ नहीं जानती मैं, उन लोगों को आज मैंने घर बुलाया है और तुम्हें आज ही मिलना होगा उनसे। चलो उछला उतरो अंदर, चलो सिलेगी साहब। देखिए ना, खैर खैरियत से घर पहुंचा दिया हमने आपको, वैसे शुक्रगुजार हूं मैं आपका। अरे मुझ जैसे गुनहगार को आपने इतनी बड़ी नेकी करने का मौका दिया, अब बाद में कोई गिला मत कीजिएगा। अजी सुनिए तो, देख ही डाल लें, हमने भी आपको कोई काम कहा है उसके बारे में भी सोचिए, वरना ये नेकी दोबारा करनी पड़ेगी मुझे, और ज्यादा नेकियां मुझे रास नहीं आती है। हाय बुशरा। सुनो, जो कुछ अभी इस आवारा लड़के ने किया है ना, इसका जिक्र अनमोल से मत करना, पता चलेगा तो खामखा हंगामा करेगी। जब जाओ अंदर, जाओ जाओ शॉप, जाओ जल्दी। सिकंदर भाई सलाम अलैकुम। अरे पता है आपकी गाड़ी है मेरे पास, आ रहा हूं ना अभी यार। शुक्र करती हूँ मैं तो कि पुप्पो क्या तुम पैदा हो गए, क्योंकि बेटी पैदा हो जाती है उसके नाक में दम कर देती। नहीं, फोन पर बात करने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे अनमोल से फेस टू फेस बात करनी होगी। इस लड़की के हाथ में रहा तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, अब मैं खुद क्लियर बात करूंगा, हाँ या ना उसे मुझे बताना होगा।